वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पसंद आए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा HTML ब्लॉक्स के बारे में। HTML ब्लॉक्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती हैं HTML में। HTML के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा या तो इनलाइन एलिमेंट हो गया। ओके, तो HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों को छोड़ करके तीसरा टाइप का नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन, ओके, तो मैं बताता हूँ सबसे पहले आप लोगों को ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ब्लॉक लेवल का मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आपका कोई भी टैग आप यूज़ करते हैं, अगर वो आपका, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे H1 हो गया, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के आगे मैं लिख ले रहा हूँ H2, और फिर इसी के आगे मैं लिख ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसको, क्लोजिंग टैग, ये मेरा S2, मैंने एक और ले लिया, ये क्लोजिंग टैग, मैंने यहाँ लिखा element1, यहाँ पे element2, और यहाँ पे मैंने लिखा element3। तो इसको मैं अगर ब्राउज़र में डिस्प्ले करूं तो उसका व्यू किस तरह से आएगा मैं बता देता हूं आपको। मैंने सारी फाइल्स HTML कोड्स के अंदर सेव की हुई हैं। ब्लॉक, इसको मैं ओपन करूंगा क्रोम पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, 1 2 3, मैंने तीन एलिमेंट लिए हुए वहां पे। अब आप डिफरेंस देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि सारे नए लाइन से बन करके आ रहे हैं। ओके, मतलब मैंने तीन एलिमेंट लिए और तीनों, जैसे मेरा क्लोजिंग टैग हुआ, मैंने यहाँ पर क्लोजिंग टैग यूज़ किया, उसके बाद का वो नया लाइन पे आ जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ, एक एंकर टैग ले लेता हूँ, इसकी कुछ वैल्यू। फ्रेंड्स, हैश यूज़ किया जाता है एक डेमो वैल्यू के लिए, मतलब टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक लिंक ले लेता हूँ, link1। मैं क्या करूँगा, दूसरा पेस्ट किया यहाँ पे, तीसरा मैं इसको नाम दे देता हूँ link2, इसको नाम दे देता हूँ link3। ओके, अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ ब्राउज़र पे। तो फ्रेंड्स डिफरेंस देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, जैसा ये टैग लिखा हुआ है वैसे ही मैंने सेम इसी तरह से लिखा हुआ है नीचे वाला एंकर टैग में। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये एक नए लाइन से डिस्प्ले कर रहा है और ये सेम लाइन पे आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज़ आ जाती है, क्लियर होती है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है तो वो क्या करता है, जैसे ही आप क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं उसमें, उसके बाद का जो भी कंटेंट होता है वो आपको एक नए लाइन में डिस्प्ले करा देता है। ओके, ये आपको कैसे आपको समझ में आएगा, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं एक स्टाइल टैग यूज़, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, उसके अंदर मैं बॉर्डर सेट करता हूँ इसका, 1px सॉलिड रेड ले लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो भी हमारा कंटेंट है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया और ये पूरी विड्थ ले रहा है, जो भी मेरी स्क्रीन है ये इसकी पूरी विड्थ ले रहा है, और जो उसके बाद कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में डाल दे रहा है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, जो स्टाइल मैंने यहाँ यूज़ की है वो स्टाइल को मैं यूज़ करता हूँ एक एंकर टैग में। अब देखिए फ्रेंड्स, एंकर टैग ऐसा नहीं कर रहा है, एंकर टैग क्या कर रहा है कि उसके आगे का पूरी स्पेस नहीं ले रहा है, वो पूरी विड्थ नहीं कैप्चर कर रहा है, वो सिर्फ जितना कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिर्फ उतनी स्पेस ले रहा है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस होता है HTML ब्लॉक में और इनलाइन लेवल एलिमेंट में। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा हो जाता है, ये इनलाइन हो जाएगा और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो जाएगा। तो मैं इस ब्लॉक लेवल के एलिमेंट के एग्जांपल कुछ देता हूँ आपको, जैसे
जो हमारा H1 टैग होता है, मतलब हेडिंग टैग, या फिर आप हेडिंग एलिमेंट्स बोल लीजिए, ये आपके होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। उसके बाद में जो पैराग्राफ होता है हमारा, मतलब पी एलिमेंट, वो भी हमारा होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। हम आगे चल के पढ़ेंगे फॉर्म, वो भी होता है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। उसके बाद में हमारा एक आता है इम्पॉर्टेंट टैग होता है डिव, वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और उसके बाद आता है हमारा इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट में आपको पता चल गया है कि वो स्पेस पूरी नहीं कंज्यूम करता है, बस जितने स्पेस में उसको टेक्स्ट लिखना होता है सिर्फ उतनी स्पेस लेता है, और उसके आगे ही डिस्प्ले करा देता है आगे का कंटेंट। ओके, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ समझ में आया वो ये है कि जो मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया वो क्लोज होने के बाद में नए लाइन में डिस्प्ले कराता है टेक्स्ट को या फिर कंटेंट को, लेकिन जो इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है वो उसी लाइन में डिस्प्ले कराता है आफ्टर क्लोजिंग टैग। ओके, तो ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। तो पहला एग्जांपल तो फ्रेंड्स यही हो गया हमारा, ए टैग हो गया, या फिर आप ए एलिमेंट बोल दीजिए। उसके बाद में आता है हमारा एक इमेज टैग जो होता है, इमेज एलिमेंट भी यही करता है, उसके जैसे आप इमेज प्लेस करेंगे तो पूरी विड्थ कंज्यूम नहीं करता है वो। एक हमारे पास स्पैन एलिमेंट होता है, तो स्पैन भी यही करता है, वो पूरी विड्थ कंज्यूम नहीं करता है, जितनी रिक्वायर्ड होती है सिर्फ उतनी ही यूज़ करता है वो। ओके, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट, मैं आपको फ्रेंड्स उसके बाद पहले स्पैन टैग का एग्जांपल दे देता हूँ। स्पैन टैग में क्या होता है, जैसे मैं दिस इज ए स्पैन टैग, अब मैं ज़रा इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ, दिस इज ए स्पैन टैग। ओके, ये हमारा हो गया स्पैन टैग। अब मैं क्या करता हूँ, ये कंटेनर आप बोल सकते हैं, ये कंटेनर होता है, और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू, मतलब कंटेनर के अंदर कुछ डेटा कंटेन होता है, तो ये मेरा कंटेनर होता है स्पैन। इसके अंदर मैंने ये डेटा, हाइलाइटेड डेटा जो है मैंने कंटेन करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करूँगा, जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया मैंने, और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ यूज़ करूँगा, जैसे कलर मैंने दे दिया इसको, कलर वैल्यू दे दी मैंने रेड, और फॉन्ट वेट दे दिया मैंने बोल्ड। तो ये देखिए आपका इसकी स्टाइल चेंज हो गई। मतलब स्पैन टैग जो होता है हमारा, स्पैन एलिमेंट आप बोल सकते हैं, टैग बोल दीजिए, वो क्या करता है, डेटा कंटेनर होता है, और स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट की, उस डेटा की वैल्यूज़, मतलब स्टाइल उसको दे सकते हैं, स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आता है डिव एलिमेंट। क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। डिव एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, तो डिव एलिमेंट भी एक कंटेनर होता है, जैसे स्पैन कंटेनर था, डिव एलिमेंट भी एक कंटेनर होता है, बट डिव एलिमेंट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस मैं बताऊँ आपको क्या होता है। फ्रेंड्स जब भी आप एक वेब पेज बनाएंगे तो वो आप डिव को यूज़ करके ही बनाएंगे। डिव को यूज़ करके आप एक वेबसाइट जब भी डिज़ाइन करेंगे, जैसे कोई भी आप वेबसाइट देखते हैं, तो वो डिव से मिल करके ही बनती है, एक स्टैंडर्ड वे होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कोई भी दे देता हूँ, फ्लिपकार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जैसे आपकी एक फ्लिपकार्ट वेबसाइट है, तो मैं अगर आपको एग्जांपल्स दूँ तो वो डिव के एग्जांपल, तो किस तरह से आप बोल सकते हैं, तो एक डिव आपका ये हो सकता है जो आपका हेडर है, दूसरा डिव आपका हो सकता है जो नेविगेशन बार है ये वाला, ठीक है, ये आप एक का आपका एक डिव हो सकता है, फिर एक डिव हो सकता है आपका जो स्लाइडर है वो एक डिव हो सकता है, उसके बाद में आपका एक डिव ये होगा। ठीक है, और उस डिव के अंदर आपके एक डिव ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स एक नेस्टेड डिव बना, नेस्टेड डिव का ये एग्जांपल हो सकता है आपका। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको।
ये ओपन टैग था, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। दिस इज ए डिव एलिमेंट। ओके अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टाइल देता हूँ, इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। मैं लिख देता हूँ बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रीन। अब देखिए क्या आता है, ये हमारा एक बॉर्डर आ गया ग्रीन का, ग्रीन कलर में। ठीक है तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक वेब पेज आपको, वेब पेज का एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे आपको डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना है, एक हेडिंग आपने लिखी, उसके अंदर आपने लिख दिया दिस इज ए हेडिंग, और जो इसका कंटेंट है वो आपने डाल दिया पी के अंदर। ठीक है, आपने पी टैग यूज़ किया यहाँ पे, हेडिंग सॉरी पी टैग, तो इस तरह से आपने पी लिख लिया। अब आप क्या करेंगे इसको, तो ये देखिए आपका एक आ गया डिव का एग्जांपल हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप जब भी वेब पेज बनाएंगे तो डिव को यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के लिए, इतना ठीक है। और जो चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा फिर से आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को लगता है कि चैनल आप लोग के लिए यूज़फुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।